हेलो गाइस, वेलकम टू द मयूर ब्लॉग। भाई तुम मजाक के ब्लॉगिंग हो रहा है, लिटरली 2 वीडियो पर डे आपको क्यों मिलते हैं? क्यों? क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, इसलिए हम भी आपके लिए पर डे 2 वीडियो लाते हैं। भाई थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन इंजॉय करिएगा आप पर डे 2 वीडियो। तो आज हम फ्रॉम द कोल्ड कॉफ शेल्टर नेटफ्लिक्स पे आ गया। लिटरली नेटफ्लिक्स इन द फ्रॉम कोल्ड का एक मतलब वर्जन, लिटरली एक आम वर्जन, एक आम आदमी, एक सुपर हीरो लिटरली एक आम आदमी बन गया। लेकिन अब उसका टाइम आया है कोल्ड से निकलने का, एंड देन फ्रॉम द कोल्ड वन कहने का मतलब है कि अब सेफ जोन से निकल कर आपको अब देश को बचाना है, दुनिया को बचाना है, एंड देन जो क्राइम हो रहे हैं उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। मतलब लिटरली रॉ टाइप का, जैसे इंडिया में रॉ होते हैं ना, क्या बगल में एक आदमी खाना बना रहा है, वो एक तरह का रॉ में है और बेसिकली आपको पता नहीं। लिटरली जैसे स्लीपर सेल होता है टेररिस्ट में, उस तरह से इन द फ्रॉम द कोल्ड का मतलब ट्रेलर आया, बहुत इंटरेस्टिंग था। क्योंकि देखिए अभी स्टार्टिंग में लगा ना कि सीधे बर्फ गिरा के उसको जमा देगा, लेकिन वहां से बोलता है कि अब तुमको वापस आएगी, तुमको वापस इस दुनिया में आना है, एंड देन अब तुमको प्रोटेक्ट करना है, बहुत सारे क्राइम्स बढ़ चुके हैं, एंड देन आपका जो आप जो प्लानिंग करते होते थे कि पहले के ऑफिसर जो काफी होनहार होते थे, उस तरह उनको बुलाया गया, फिर उनके लुक्स को चेंज किया गया, मतलब देसी टाइप की हो गई थी, मतलब वो घर पे रहने लगे उससे बच्चे वहां पे। लेकिन उसके बाद उनको बुलाया गया, उनको एक स्पेशल टास्क फोर्स में डाला गया, एंजॉय किया गया। तो इन द फ्रॉम द कोल्ड मतलब टू गेट आउट फ्रॉम द सेफर जोन, गेट ब्यूटिफुल कनेक्शन। हेलो फ्रेंड, इन द फ्रॉम का ट्रेलर आ चुका है, जो इंटरेस्टिंग कहानी थी मैंने बता दी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जो बताइएगा, वीडियो सुनने वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना, ब्लॉग से मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।